उम्मीद है बच्चों आप लोग कहानी को समझ गए होंगे खासकर तब जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसे संक्षिप्त रूप में बता दिया गया है अब हम बढ़ते हैं थोड़ा कुछ अंग्रेजी की ऐसी पंक्तियों की ओर जो उस कहानी में दी हैं और जो महत्वपूर्ण है नाउ वी प्रोसीड टू लाइन्स ऑफ दैट स्टोरी द लास्ट लेसन विच आर अदरवाइज इम्पॉर्टेंट लेट्स ट्राई टू रीड द आउट and try to understand them line by line. The first of it is, it was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. यह सभी कृदंतों के नियमों की अपेक्षा मुझे ज्यादा आकर्षक लग रहा था ये कौन कहता है हैंज लेकिन मुझमें इसका विरोध करने की शक्ति थी और तेजी से मैं स्कूल की ओर चल दिया द नेक्स्ट वन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल रीड दिस पैराग्राफ बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द स्टिलोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन बट दैट एवरीथिंग हैड टू बी ऑफकोर्सिथिंग संडे मॉर्निंग लेकिन उस दिन रविवार के समान सब कुछ शांत था खिड़की से मैंने अपने साथियों को देखा वे सभी पहले से ही अपने स्थानों पर थे और मिस्टर हैमल अपने डंडे को लिए ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही टू मी सेड चिल्ड्रन

मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए और उसी ग्रेव और जेंटल टोन में जिसके लिए जिस तरीके से उन्होंने मुझे संबोधित किया था उन्होंने जारी रखा और कहा मेरे बच्चों ये आप लोगों का मेरे द्वारा दिया गया आखिरी अध्याय है आखिरी लेसन है बर्लिन से जो कि जॉबली की, की राजधानी थी वहाँ से आदेश आया है कि अब एल्जस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन में पढ़ाई होगी और कल से आप लोगों का नया मास्टर आ जाएगा so, मेरे लिए ये आपका आखिरी और एक तरीके से आपके लिए भी ये आखिरी फ्रेंच लेसन है इसीलिए ध्यान से सुनो पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही है एंड नाउ अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम हेंता है ओह oh, मुझे कितना दुख हो रहा है कि वह बेचारा व्यक्ति ये सब उसके आखिरी सम्मान में था कि इस शानदार इतवार को अपने अच्छे वस्त्र पहने हुए है और अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति पीछे बैठे हुए हैं ये क्यों बैठे हुए हैं ये अब मैं समझ गया बट आई गॉट अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप आई रिपीट बट आई गॉट मिक्सड ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुकअप ये जो मिक्सड अपर है ये उस में है जब हैमल ने को कहा था कि पार्टिसिपल के बारे में बताओ उसकी परिभाषा बताओ तो हैंस का कहना है लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया और डेस्क को पकड़े हुए खड़ा रहा होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क मेरा दिल धक धक कर रहा था और मेरे में ऊपर देखने का साहस भी नहीं रहा डेयरिंग मीन्स साहस आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी नाउ आई वॉन्ट कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्फ बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई लर्न इट टूमो हैमल ने कहा ये बातें फ्रेंड्स को और फिर पूरी कक्षा को हेमल को फ्रेंच ने कहते हुए सुना मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रेंड्स तुम्हें निश्चय ही आज बुरा तो लग रहा होगा लेकिन देखो स्थिति भी कैसी हो गई है हम लोग एक दूसरे को स्वयं को रोज कहते थे अरे मेरे पास तो बहुत समय है और मैं से कल सीख लूंगा देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज दैट It was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it amongst us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to the prison. Yah is. कहानी का द लास्ट लेसन का एक तरीके से सार है एक के बाद दूसरी बात करते हुए मास्टर हेमल फ्रांसीसी भाषा की बात करने लगे, ये कहते हुए कि यह संसार की सबसे अच्छी भाषा है द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एकदम स्पष्ट सबसे तर्कपूर्ण और बच्चों से हमें संभाल के रखना चाहिए आगे उन्होंने कहा किसे कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जब कुछ लोग गुलाम बना दिए जाते हैं तो यदि वे अपनी भाषा को अपनाए रखते हैं तो मानो उनके पास जेल घर की चाबी है यानी गुलामी की दास्तान से छूटने की गुलामी के शिकंजे से छूटने की संभावना रहती है यदि आपके पास अपनी भाषा है दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स

मिस्टर हैमल के पास जो नई कॉपियां थीं जिस पर सुंदर लिखावट में कुछ लिखा था उसे उन्होंने टांग दिया था और देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी केवल कागज के ऊपर कलम चलने की आवाज आ रही थी और कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ था फ्रांस फ्रांस एल्सेस और ये छोटी छोटी झंडियों के समान ऐसी लग रही थी और क्लास में फहरा रही थी हमारी डेस्कों के ऊपर ये छड़ी से लटकी हुई थी बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज बाय देबीड इनमें प्रत्येक पार्ट को अंत तक सुनाने का साहस उस दिन भी हैमल में था ऐसा फ्रेंड्स का कहना है Friends आगे लिखता है आगे कहता है कि लिखने के बाद लिखने के काम के बाद उन्होंने हमें इतिहास का एक अध्याय पढ़ाया और उसके बाद बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू गाना भी गाया मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल माय फ्रेंड्स सेड ही आई आई but something choked him he could not go on then he turned to the blackboard took a piece of chalk and bearing all his might with him he wrote as large as he could viva la france hence उस दिन भी मिस्टर हैमल को प्रत्येक पार्ट को अंत तक सुनाने का साहस था ही हैड उसके बाद उन्होंने राइटिंग वर्क के बाद उन्होंने इतिहास पढ़ाया और फिर बच्चों ने गाना गाया आदि आदि और जब मिस्टर हैमल खड़े हो गए ये सबके बाद तब क्या हुआ तब उन्होंने कहा मेरे मित्रों मैं मैं लेकिन किसी बात से उनका गला रुंध गया और उसके बाद आगे बात जारी नहीं रख पाए यानी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किया चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से दीवार का सहारा लेते हुए जितने बड़े अक्षर में लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया

हमें एक हाथ से इशारा किया स्कूल समाप्त अब जा सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के अनुवाद और उनको समझने के बाद अब हम चलते हैं प्रश्नों और उनके संभावित उत्तर इस अध्याय के कुछ प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है खासकर वे जो एक तरीके से turning point so now let us proceed with some of the questions short questions long questions and try to get their answers because they are very important for this lesson the first of the question is what did france notice that was unusual about the school that day the answer is वेरी सिंपल उस दिन ऐसा क्या था जो असामान्य था उस दिन स्कूल में द आंसर इज एवरीथिंग वॉज काम एंड स्टिल इट लुक्ड टू हिम टू हैं इट वॉज लाइक संडे मॉर्निंग नो एक्टिविटी नो हसल बसल और सड़क की आवाज भी आ रही थी इवन द साउंड हर्ड

तो इसका क्या अर्थ इट मीन्स दैट जर्मन कैन एनस्लेव फ्रेंच बट कान टेक अवे लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज इट इज द ब्लड एंड कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ऑर्डर अराउस्ड जनरेटेड ब्रॉट आउट द पैट्रियोटिक फीलिंग अमंग द पीपल And suddenly they realize the people, LDS Lorraine people, and the classroom people, they realize the importance of language. How precious the language is. So, this particular question is about language and its significance. Next question is when people are enslaved. As as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Meaning what? जब तक लोग गुलाम हैं जब तक वे अपनी भाषा के प्रति आसक्त हैं वैसे ही हैं जैसे कैद खाने की चाबी मानो उनके पास है इसका अर्थ क्या हुआ told the student, Mr. Hamel. about the importance of language in the lives of people mr hamel further said that language always keeps the people united there are plenty of examples in history where language helped them in winning freedom from their ruler and so he is talking about the importance of language again अंडरलाइन वर्ड इन दीज सेंटें ऑप्शन दट बेस्ट एक्सप्लेन देअर मीनिंग जिससे सबसे सही उत्तर निकलता हो उस ऑप्शन पर चिन्ह लगाए और ये पंक्तियां दीज लाइन्स है फर्स्ट लाइन इज वॉट इज थंडर क्लैब दीज वर्ड्स टू मीन What a thunderclap these words were to me. What is the nearest word to thunderclap? Loud and clear? Startling and unexpected? Or pleasant and welcome? The correct answer is loud and clear. When the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if. They had the key to their prison. It is as if they have the key to their prison means do not lose their language, are attached to their language, or quickly learn the conquer language. The correct answer is as if they have the key to the prison means they will have attachment to their language. Third. Don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. Means very late or too early or early enough. The correct answer is too early. You have plenty of time, means too early. I never saw him look so tall. What does it mean? mr hamel had grown physically taller seemed very confident or stood on the chair the correct answer is stood on the chair so here are few questions and few extracts that you have answered now next we will move to the difficult words and their meanings कुछ कठिन शब्द हम जाने और उसके अर्थ जाने कठिन शब्दों की यदि बात करें सो लेट अस टेक देम पैरा बाई पैरा ड्रेड डी आर ई ए डी ड्रेड ड्रेड मीन्स डर भय द नेक्स्ट वर्ड इज स्कोल्डिंग माने डांट टू स्कोल्ड एस सी ओ एल डी स्कोल्ड मैंने डांटना चर्पिंग सी एच आई आर पी आई जी चरपिंग इसका उच्चारण देखेंगे चहचहाना और चर्पिंग यानी चहचहाहट वुड का मतलब होता है लकड़ी लेकिन वुड में यदि एस जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है जंगल वुड्स मने जंगल याद रखेंगे वुड्स अर्थात जंगल बी एल ए सी के ब्लैक एस एम आई टी एच ब्लैक स्मिथ अर्थात लोहार जो लोहे का काम करता हो लोहे को पीट पीट कर उसको कुछ आकार देता हो वह कहलाता है ब्लैक स्मिथ इन यूनिजन इन यूनिजन इन यूनिजन का अर्थ है सभी एक साथ वी ऑल आर सिंगिंग इन यूनिजन हम लोग सब एक साथ गा रहे हैं तो इन यूनिजन मतलब सभी एक साथ एस टी आई डबल एल स्टिल शांत द वॉटर इज स्टिल द एयर इज स्टिल हवा शांत है पानी शांत है सीओ डबल एम ओ टीन कमोशन दे कमोशन मतलब अफरा तफरी मची हुई थी देर वॉज कमोशन मतलब अफरा तफरी और अफरा तफरी का अर्थ भाग दौड़ मची हुई थी वहां पर लोग बहुत हलचल कर रहे थे शोर कर रहे थे कमोशन so, मीन्स अफरा तफरी शोरगुल बी एल यू एस एच ई डी ब्लस्ड टू ब्लश मतलब लज्जित होना लज्जा से लाल होना टू ब्लश ही ब्लश्ड सींग मी ही blushed. मुझे देखकर वह लज्जित हो गया डोंट ब्लश लज्जित मत हो तो so टू ब्लश माने लज्जित होने से लाल होना और blushed मतलब लाल हो गया फ्रिल्ड एफ आर आई डबल D. फ्रिल्ड मिस्टर हैमल वॉज wearing ए फ्रिल्ड स्लीव शर्ट मतलब जिसमें झालर लगा हुआ था ऐसी स्लीव ऐसी शर्ट जिसके स्लीव में झालर बना हुआ था उसे कहते हैं फ्रिल्ड शर्ट फ्रिल्ड मतलब झालरदार ग्रेव जी आर ए वीई ग्रेव यानी गंभीर यहां पर इन दिस स्टोरी द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेव मीन गंभीर ही लुक्ड वेरी ग्रेव मिस्टर हेमल लुक्ड वेरी ग्रेव थंडर क्लैप थंडर मतलब जोरदार आवाज और क्लैप मतलब ताली सी एल ए पी टी एच यू एन डी ई आर थंडर क्लैप जोरदार तालियों की आवाज जिसे एक शब्द में कहते हैं गड़गड़ाहट देयर वॉज ए थंडर क्लैप एट द अराइवल ऑफ दैट मैन उस व्यक्ति के आने पर तालियों की गड़गड़ाहट हुई तो थंडर क्लैपी गड़गड़ाहट नेक्स्ट एन यू आई एस एन सीई न्यू सेंस इसका उच्चारण देखेंगे अलग है एन यू आई एस एन सीई न्यू सेंस एक ऐसा काम जिसमें न चिढ़ लगे गुस्सा आए करने की इच्छा ना हो व्यर्थ का काम लगे उसे कहते हैं न्यूसेंस तो न्यू सेंस इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड न्यू सेंस मतलब व्यर्थ का काम ऐसा काम जिसमें चिढ़ लगे और रिसाइट आर ई सी आई टी ई टू रिसाइट मतलब जोर जोर से पढ़ना रिसाइट ए पोयम विशेष रूप से काव्य पाठ करना जोर से काव्य पाठ करना उसे कहते हैं टू रिसाइट उसी से बनता है पोयम रेसिटेशन कंपटीशन काव्य पाठ प्रतियोगिता सो so, रिसाइट मींस काव्य पाठ करना जोर जोर से प्लेंटी पी एल ई एन टी वाई प्लेंटी मतलब पर्याप्त इनफ काफी प्रिटेंड एक क्रिया है पी ई टी एन डी प्रिटेंड मतलब दिखावा करना दिखावा करना और दिखावा टू शो ऑफ फॉल्सली झूठा प्रदर्शन झूठ दिखावा मतलब क्या होता है झूठा प्रदर्शन सो टू प्रिटेंड मीन दिखावा आर ई पी आर ओ ए सी एच reproach करना मतलब धिकारना भर्तना करना दोष देना और धिक्कार से डांटना भी आर ई -E पी आर ओ ए सी एच reproach उच्चारण सुनेंगे रिप्रोच यानी भर्तना करना किसी को धिक्कारना और उसके साथ थोड़ा डांटना भी ए एन एक्स आई ओ anxious, anxious मतलब चिंतित यू आर लुकिंग वेरी चिंतित लग रहे हो तनाव में लगना चिंतित लगना तनाव में लगना उसके लिए है anxious। यू आर लुकिंग वरिड वरिड मैंने चिंतित तो एंक्शियस मतलब भी वही है तनाव में होना चिंतित होना E -n S L A V E D. यू आर एनस्ले मतलब दास बना दिया जाना टू enslave मतलब गुलाम बनाना टू E. टू -e. enslave मतलब गुलाम बनाना तो enslaved मतलब हुआ गुलाम बना दिया गया दास बना दिया गया होल्ड फास्ट H O L D. होल्ड फास्ट यानी मजबूती से पकड़ना फास्ट यानी मजबूत फास्ट यानी तेज नहीं है ये याद रखेंगे यहां फास्ट का दूसरा अर्थ होता है मजबूत दिस टेप इज वेरी फास्ट मतलब यह सेलो टेप मजबूती से पकड़ता है इट होल्ड्स फास्ट होल्ड यानी पकड़ना तो मजबूती से पकड़ना यानी to hold fast. A M A Z E D. Amazed मतलब हैरान. To amaze मतलब हैरान करना. You amazed me by your marks. तुमने अपने नंबरों से मुझे हैरान कर दिया है. मैं आश्चर्यचकित हूँ. You amazed me by your singing. तुमने अपने गायन से मुझे हैरान कर दिया है मुझे आश्चर्चकित कर दिया है तो अमेड टू अमेज मतलब हैरान करना नेक्स्ट वर्ड इन लाइन इज पेशेंस पी ए टी आई ई एन सी ई उच्चारण देखें पेशेंस पेशेंस मतलब धैर्य यू मस्ट हैव इनफ पेशेंस तुम्हे पर्याप्त धैर्य होना चाहिए और पेशेंट मतलब मरीज तो ये है यहां पर जो शब्द आया है वह है पेशेंस वी शुड हैव इनफ पेशेंस नेक्स्ट क्वाइट क्यू यू आई ई टी क्वाइट क्वाइट यानी शांत You are still and quiet. Still का अर्थ भी शांत होता है और शांत का वहा अर्थ है जिसमें ज्यादा मूवमेंट न हो He is still, मतलब वह बिना मूवमेंट के बैठा हुआ है बिना मूवमेंट के और क्वाइट यानी मुंह से शांत ही इज वेरी क्वाइट यू आर वेरी क्वाइट साइलेंट टू स्क्रैच मतलब रगड़ना किसी चीज को रगड़ना स्क्रैच साउंड ऑफ पेन यहाँ पर स्क्रैच का उपयोग कहा हुआ था जब केवल स्क्रैच करने की आवाज आ रही थी ऐसा हैंज ने महसूस किया पेन के ऊपर लिखने की आवाज आ रही थी वहां पर उसने स्क्रैच वर्ड का उपयोग किया है टू स्क्रैच मतलब रगड़ना बीटल कभी कभी कुछ कीड़े आ जाते थे ऐसा ने कहा है इस कहानी में और एक कीड़े का नाम लिया बीटल्स और वो कीड़े भी लोगों का का ध्यान नहीं बांट पाए ऐसा फ्रेंड्स कहना बी डब्ल्यू टी बीटल यानी भ्रिंग ब्रिंग नाम का जो काला कीड़ा होता है वो कभी कभी उड़ जाता था वहां पी आई जी ओ -E एन पेजन पेजन यानी कबूतर पी आई जी ईओ एन पिजन कबूतर और उसकी आवाज जो होती है उसको बोलते हैं कू, C -O -O, कू याने कबूतरों की आवाज उसको बोलते हैं कू कबूतर की आवाज को कू बोलते हैं अब हम अंतिम पैराग्राफ में और शब्द है चैंटेड चैंट यानी जोर जोर से पाठ करना यानी रिसाइटेडेड यानी रिसाइटेड r टी आर यू एम t ट्रम्पेट यानी बिगुल तो चारण ध्यान देंगे ट्रम्पेट यानी बिगुल टी आर p पी -E t बिगुल को तुरहिया भी बोलते हैं बिगुल को तुरहिया भी बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड स्ट्रेंज स्ट्रेंज यानी विचित्र अजीब एस टी आर ए एन जी ई और अंतिम शब्द है ही leaned झुक जाना -E a एन टू लीन मने झुक जाना story? मिस्टर हैमल leaned ऑन द वॉल एंड

Few question answers, and thereafter the vocabulary. In order to do well in English, you must have a rich vocabulary. हमने एक कहानी पढ़ ली है हिंदी अंग्रेजी दोनों में और प्रश्नोत्तरी के बाद शब्द भंडार को भी बढ़ाया है तो जितने शब्द यहाँ पे हमने सीखे हैं उसको अच्छी तरह समझें याद करें क्योंकि बिना अच्छे शब्द भंडार के अंग्रेजी सुधारने में असफलता ही मिलेगी